जय सियाराम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राइट मॉनिटर बंद है, ये राइट मॉनिटर ऑन करो। सभी आए हुए बागेश्वर धाम के पागलों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आदरणीय गुरुदेव भगवान, पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जिनके सानिध्य में ये महान यज्ञ हो रहा है, बहुत सारी दुनिया ये देख रही है कि ये कौन सा भारत है। ऐसा भारत तो कभी नहीं देखा कि एक ही जगह पर इतने दिनों तक लाखों भक्त बैठे हो। उसे बागेश्वर धाम कहते हैं, उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। और मुझे भी आदेश हुआ कि भजन की एक शाम हो, भजन की एक शाम हो, गड़ा का धाम हो, बागेश्वर के हनुमान हो और खाटू के श्याम हो। आज मैं पहली बार बागेश्वर धाम आया हूं और सच में ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हनुमान जी मेरे भीतर ही बागेश्वर धाम के दर्शन मुझे कराते रहते हो। और मैं चंडीगढ़ में रहता हुआ भी बागेश्वर के बालाजी मुझे याद करते रहते हो। और सच में अद्भुत नजारा है ये, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस सुंदर दरबार के लिए। और जितनी शांति से आप लोग बैठे हैं, बैठ जाइए, पीछे जो हमारे भाई बहन माताएं बहने सभी बैठ जाएं। आज मैं जल्दी जाने वाला नहीं हूं, आपको तो जल्दी नहीं है। आज खाटू श्याम जी की कथा भी सुनाऊंगा भजनों के माध्यम से, बागेश्वर धाम में आया हूं। लेकिन आइए शुरू करें। कट्टर हिंदू आए हैं क्या? जय श्री राम। आइए, thank you।
36 बार आपने ताली बजाई होगी।
37वीं बार ताली उस मां के लिए बजे जिसने हमें जन्म दिया। एक बच्चा, एक इंसान, जानवर तक भी हर ऋण से मुक्त हो सकता है, मां के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मेरे नौजवान युवा भाई, मां जरूर आपको फोन कर लेती है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। आप भी करना सीखो, दिन में कम से कम 3 बार अपनी मां को फोन करके पूछ लिया करो कि मां तूने खाना खाया कि नहीं खाया। सच कहता हूं, मंदिर की देवी चलकर आपके घर आ जाएगी, आपको 9 दिन का व्रत भी नहीं रखना पड़ेगा। मां के लिए हाथ उठाना जिसने जन्म दिया। सारे कैमरे भक्तों की ओर, देखा जाएगा कौन कौन मातृभक्त करता है। ताली बजाकर गाना, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है, हे मां मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर डेरा, 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 मेरे बिन दिल नहीं लगता मेरा। ओ मुझे तेरी दोगला हिंदू आया हो तो घर चले जाना, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ कट्टर हिंदुओं का काम है। भोले बाबा के भक्त आए हो तो बम बार। मैं कल की तैयारी करवा रहा हूं। कल क्या है? भोले बाबा की बारात आई। बम बार आवाज नहीं आई। बम बार, बम बार, बम बार, नशे को प्रमोट करता हो। मेरा दावा है, सनातन
पहली शक्ति कुलदेवता। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, मित्तल बनेगा, क्या बनेगा, त्यागी बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। दूसरी शक्ति इष्ट देवता, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, बागेश्वर रहेगा, लंदन रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। तीसरी शक्ति कुल देवी, औलाद देनी है कि नहीं देनी, कब देनी है, बेटा देना है या बेटी देनी है, ये कुल देवी निर्धारित करती है। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो तो दोनों हाथ उठाना, अपने पितरों के लिए ताली बजाना कि हम बागेश्वर धाम में आए हैं आपके लिए। ये बात पितर जी महाराज, 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 पितर जी महाराज। कहीं भी चले जाओ, किसी को कहो मेरा काम नहीं बनता, दो मिनट में बता देता है, ओहो तुम्हें तो पितृ दोष है, तुम्हारे तो बाप दादा नाराज बैठे हैं स्वर्ग में। उसको पूछना दाता मेरा, पर दाता मेरा फोन वो तुझे कर रहा है कि वो नाराज हो रहा है, फोन मुझे करेगा कि तुझे करेगा। ध्यान रखना, आज जितने भी इस पंडाल में लाखों भक्त बैठे हैं, गुरु जी ने शिवरात्रि पर आपको एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। जोर से पूछो, क्या आवाज नहीं आई, जोर से पूछो, आवाज नहीं आई, ये बहुत बहुत पूछो। आपका 50% पितृदोष माफ कर दिया गया। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ, तो एक बात का जवाब दो, बागेश्वर एक है कि दो है, जोर से बोलो ना, स्वर्ग एक है कि दो है। इस समय आपके पितर भी वहां बैठे हैं, पूर्वज, और मेरे पितर भी वहां बैठे हैं, आपस में क्या बात कर रहे होंगे, भैया आज तो बागेश्वर धाम में मजा आ गया, मेरा बच्चा भी भगवाधारी है और तेरा बच्चा भी भगवाधारी है। तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे, जो मानते हैं वो राजी हो रहे होंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर एक बार सलूट कर दो ऊपर देख के। ताली सुनो, वो सुन रहे हैं, उन्हें सुनाना है, दादा गुरु को सुनाना है, सन्यासी बाबा को सुनाना है, कौन कौन सुनाएगा। हाँ, क्या बात है, जय हो पितर देवा, खाटू वाले श्यामली।
जिन दिखता ही शिमला जाना है, मुझे कुल्लू मनाली जाना है। ये कहेगा मम्मी बगल में बैठ, तुझे खाटू श्याम जी लेके चलता हूं। दोनों हाथ उठाना अपने बच्चों के लिए, ताली बजा के। तोरण द्वार की दिन रात करता है, तोरण द्वार की दिन रात करता है। आप में से खाटू श्याम जी कौन कौन गए हुए हैं? अरे बाबा, वो बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, तोरण द्वार की दिन रात करता है। हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। और अगली लाइन, अगर बागेश्वर धाम में आके महसूस करते हो तो कहना, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। किस किस के साथ चलता है बाबा, एक बार शोर मचा के बताओ जोर से। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। वो इत्र लगाकर बाबा वो इजहार करता है, इत्र लगाकर बाबा वो इजहार करता है। श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, श्याम बाबा नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि। मेरे युवा भाई, जब नैया, जब नैया चलाए खुद श्याम जी, परवा नहीं संसार। जब नैया चलाए बाबा श्याम जी, परवा नहीं संसार। अब एक बार आपको गाना है, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। आहा, ये बरसाने वाले जीत गए, इनकी बारी है वृंदावन वालों की। आवाज आनी चाहिए आपकी, खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। एक मौका देते हैं इनको, हाँ जी, हारना नहीं है। ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया। ये जो बीच में युवा खड़े हैं ना, ना तो किसी के लंबे बाल पे मरो, ना किसी की मतवाली चाल पे मरो,
ना ही किसी के गोरे काल पे मरो, मरना है तो यशोदा के लाल पे मरो सा। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, ओ खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, वो बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, ना तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़ गई खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ गई खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार। श्याम प्यारे की एक बार जोर से कह दो, श्याम बाबा। आवाज नहीं आई, श्याम बाबा, श्याम बाबा। मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। और जो कह रहा हूं शर्माना मत, एक गाड़ी दे दीजिए, सेवन सीटर दे दीजिए, एक बंगला दे दीजिए, पांच मंजिला दे दीजिए, एक शोरूम दे दीजिए, दाएं बाएं दे दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे आपको शर्म नहीं आती, भगवान से बंगला मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, उसको कहना ठीक है नहीं मांगते, तू दे दे। साइकिल भी खड़ी नहीं करने देता कोई। एक वो है जो खुद दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता है साहब। इसलिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना तो दोनों हाथ उठाकर मांगना एक बार। ओ मेरी झोली भर दीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मुझ पे कृपा कर दीजिए, मेरा नाम कर दीजिए। श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा जी, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा जी। मेरी 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 झोली भर दीजिए, श्याम बाबा मेरा काम कर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए। जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, जब भी मेरी सच्चाई है ना, हमें यह घमंड है कि हमें इतना पैसा मिला, ना हमें घमंड है कि हमें ऐसी शोहरत मिली, हमें घमंड है हमें यार खाटू श्याम जैसा मिला। जब भी तेरे वो तैरते तैरते डूब गए, जिनको खुद पर बड़ा गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए, जिनको खुद पर बड़ा गुमान था, और वो डूबते डूबते खाटू वाला मेहरबान था। जब भी
तेरे दर पे सर को मैं झुकता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पता हूँ, और ये सच है। कोई भी लालच के कोई काम ना करे, लोग आपको कहेंगे कि उसने इतना दिया हुआ है फिर भी मांगने आ जाते हो। आप कहना मैं इसलिए मांगने आ जाता हूं कहीं उसको ये ना लग जाए कि मैं अमीर हो चुका हूं। मैं उसके दर का भिखारी था, मैं उसके दर का भिखारी हूं, और ये मेरी शोहरत है कि मैं उसके दर का भिखारी रहूंगा साहब। जब भी तेरे दर पे सर को मैं झुकाता हूँ, सर पे दीना ना तेरा हाथ पता हूँ, कोई भी लालच के काम ना करे, झोली भरने बाबा मैं सरिया माता हूँ, और मेरी बात को याद रखना, झोली भरने में बाबा शाम देर न करे, झोली भरने में बाबा शाम देर न करे, देर होगी मगर वो अंधेर न करे। माला मित्तल है, माला मित्तल जपे तेरे नाम की परवाह नहीं संसार, माला मित्तल जपे तेरे नाम की परवाह नहीं संसार। अब आपको माना है खाटू वाले श्याम जी, खाटू वाले श्याम जी, श्याम जी वाले श्याम, बंदा तेरा बाबा खाटू वाले श्याम जी, बंदा तेरा बाबा जब झड़े। क्या बात है, सच बताऊं, ये जो बैरिकेड के पीछे खड़े हैं आप ये मत समझना आगे वाले वीआईपी हैं, ये ज्यादा पागल है इसलिए आगे बिठाने पड़ते हैं। यहां कोई वीआईपी नहीं है, यहां वीआईपी एक ही है, हमारे हनुमान जी महाराज। और ये तो ऐसे वीआईपी हैं, ये है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और हम भी वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पापी। वीआईपी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट पापी, जिसकी फाइल में गड़बड़ है उसको टाइम लगेगा, और वीआईपी को 20 मिनट तक दर्शन होते हैं, और हमको चला गए चला गए चला गए। कभी भी इसके दरबार में बागेश्वर धाम में अगर धक्का लग जाए तो लड़ना मत, क्योंकि जिनको इनके दरबार में धक्के लगे हैं उसे दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी साहब। इसलिए उनको याद करके गाना, ओ खाटू वाले श्याम जी का मान, ओ बंदा तेरा बाबा मालामाल हो गया, बंदा तेरा बाबा मालामाल हो गया, जब चढ़ेगी, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की परवानगी संसार की, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की परवानगी संसार की। एक मंत्र है हमारे श्याम जी का, एक ही मंत्र है, बोलोगे मेरे साथ, बोलिए ओम, आवाज नहीं आई, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अब आपकी बारी, बोलिए कितनी बार बोला, हाँ बहुत अच्छे, दो बार, अपना अपना गिनते हैं हम, बणिए ने अपना गिन लिया, ब्राह्मण ने अपना गिन लिया,
वाल्मीकि ने अपना गिन लिया, यादव ने अपना गिन लिया, हिंदू का कोई गिनता ही नहीं है ऐसा। हमने क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन पैदा होता है, मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा होता है, लेकिन हिंदू के घर में हिंदू पैदा नहीं होता साहब। हिंदू के घर में यादव पैदा होता है, हिंदू के घर में अग्रवाल पैदा होता है, हिंदू के घर में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदू के घर में जिस दिन हिंदू पैदा होने लग जाएगा उस दिन ये भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो सबका गिन के गाना ओम श्री श्याम देवाय नमः। यूपी के कहिए ना एमपी के कहिए, हम गड़ा में आए हैं, हमें बागेश्वर वाले के कहिए। बैठ जाएं सभी, अभी तो ट्रेलर है प्यारे। क्या बात है, देखो दो तरीके के भगत आते हैं, एक भजनों के लिए आते हैं और एक भोजन के लिए आते हैं। जो भजनों के लिए आते हैं और जो भोजन के लिए आते हैं, दोनों में फर्क होता है। जो भोजन के लिए आता है वो तीन वक्त का प्रबंध करके जाता है, और जो भजनों के लिए आता है वो तीन पीढ़ियों का प्रबंध करके जाता है साहब। बस इतना ही फर्क है भजन में। एक भजन हमने गाया जिसको पूरे भारत ने, क्या विश्व ने बड़ा प्यार दे रहे हैं सभी लोग, हनुमान जी का। वही भजन सुनाने जा रहा हूं, आधा गाऊंगा क्योंकि देखना चाहता हूं आपने सुना है कि नहीं सुना। आधी लाइन गाऊंगा, देखता हूं आप पूरी करते हो कि नहीं। सिया राम जी के चरणों के भक्तों के रहते हरदम, मेरा सैल्यूट स्वीकार कीजिएगा आप सभी। क्या बात है, किसी निर्धन को भजन सुनाने में आनंद आता है, किसी निर्बल को भजन सुनाने में आनंद आता है, लेकिन बागेश्वर धाम में आके भक्तों को भजन सुनाने में बड़ा आनंद आता है। एक बार और गाएंगे। सिया राम जी के चरणों के भक्तों के रहते हरदम, श्री राम जी के दूत बड़े खास, बालाजी तेरे दम से चले मेरी सास बालाजी।
तेरा साला सर दरबार, तुझको पूजे ये संसार, दर पे आऊं बार बार, मन ने मन ने ओ मन ने ओ मन ने किस किस को बागेश्वर धाम अच्छा लगता है, आ जाओ जरा, जय श्री राम। दोनों हाथ फहराते नजर आए जरा एक बार, क्या बात है, साला सर दरबार। अभी भी कंजूसी कर गए कुछ, थोड़ा सांस कम रखो ताकि इनकी आवाज सुने जरा एक बार, तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरा साला सर दरबार, तुझको पूजे ये संसार, घर पे आऊं बार बार, मने अच्छा लागे सर, मने अच्छा लागे सर। आदरणीय गुरुदेव भगवान हमारे बीच में, उनका पदार्पण हो चुका है, सभी को दर्शन देंगे गुरुजी। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा कर गाना, सिया राम जी के चरणों के दास बाला जी, राम जी के चरणों के दास बाला जी, भक्तों के रहते हर दम पास बाला जी, भक्तों के रहते हर दम पास बाला जी, श्री राम जी के दूत बड़े खास बाला जी, तेरे दम से चले मेरी सांस वाला जी, तेरे दम से चले मेरी सांस वाला जी, बागेश्वर धाम तेरा लेते सारे नाम, तेरा साला सर दरबार, तुझको पूजे ये संसार, घर पे आऊं बार बार, मन में अच्छा लगे से, मन में अच्छा लगे से, मन में अच्छा लगे से। से हो गया था दूर बालाजी, किस किस को इनकी भक्ति का सरूर चढ़ा है, जोर से कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और तेरी भक्ति का चढ़ गया सरूर बालाजी, तेरे नाम से हुआ मैं मशहूर बालाजी, मेरा चल गया कारोबार, भूल गए ये जय हो जरा जोर से आए, ओ मेरा चल गया कारोबार, मेरा चल गया कारोबार, मेरा खुश है परिवार, किस किस का परिवार खुश है बागेश्वर आगे, जरा ताली बजा के कहना, ताली सुनो जरा, ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहा, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहा, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहा, जो केसरी के लाल छोटा सा ये कहा, मेरी राम जी से कह दे, मेरी राम जी से कह दे, मैं धाम संग जपता तुम्हारा सा।
जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह दे, मेरी राम जी से कह दे ना। ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी, कौन कौन झंडा लेकर आया है हनुमान जी महाराज के नाम का, झंडा कौन कौन लेकर आया है, हाँ ऊपर कर लो जरा, और जिनके घर में झंडे लगे हैं वो हाथ ऊपर कर लो जरा, और जरा लहरा के कह दो, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। खाटू श्याम जी लेकर आई है, बड़ी देर से दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी है, मैं चाहता हूं एक बार कैमरा उसकी तरफ करके उसके खाटू श्याम जी सबको दिखाए जाएं स्क्रीन पर, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा, जय हो। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर झंडा बागेश्वर पहुंचा, लहर लहर झंडा बागेश्वर पहुंचा, लहर लहर झंडा बागेश्वर पहुंचा, लहर लहर झंडा बागेश्वर पहुंचा। क्या करेगा झंडा बागेश्वर में, हिंदू राष्ट्र बनाए रे झंडा बजरंग बली का, हिंदू राष्ट्र बनाए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे युवा भाई एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना किसी की मतवाली चाल पे मरो, ना किसी के लंबे बाल पे मरो, मरना है तो अंजनी के लाल पे मरो, और हाथ उठा के खाजी खाजी में अब एक ही नारा दूजे मेरे भारत का, आंखों को मीच के, दांतों को भींच के, बाहों को खींच के, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। अब ना चलेगी सोने की लंका, राम नाम का बाजे का डंका, राम नाम का बाजे का डंका,
और ध्यान रखना, अब कुछ लोग दिखाने के लिए कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहनने लग गए, उनका ध्यान रखना। जो ना पहले बोला था, मेरे भारत का कोई कहे आपको कि आजा, मेरे फादर में बड़ी जान है, उसको कहना तू तेरे फादर से काम चला, मेरे पास ग्रैंडफादर है। और ग्रैंडफादर बोले तो पप्पा, बाबा, दादा, किस किस के पास है ग्रैंडफादर? दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कहना, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी न्यारी। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक बार भगवान वाल्मीकि जी के लिए दोनों हाथ उठे, जरा ताली बजाइए। बात हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री गुरुजी। मैंने नियम बनाया है, मैं जहां भी जाता हूं वहां हनुमान चालीसा जरूर गाता हूं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनकी माताओं से कहना चाहता हूं, आपने परौंठे की जगह सैंडविच बनाना सीख लिया, इनके स्कूल में सैंडविच डाल के भेजते हो, एक छोटा सा हनुमान चालीसा भी डाल के भेजा करो, ताकि हर चैप्टर के बाद उसको याद रहे कि मेरा धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा है। हनुमान चालीसा आता है आप सभी को? किस किस को आता है? गाओगे मेरे साथ? मुझे नहीं आता है तो आपको गाना पड़ेगा, सांस बिल्कुल कम रहेगा, पूरी आवाज में जोश से गाएंगे, गुरु जी को भी सुनाएंगे हम सब। सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बुद्धिहीन तनु बल बुद्धि में जाते मोरा हरहु कलेश बिकार, सियावर राम जय जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सार, जय कपीस जीव। अंजनी महावीर कुमति निवार, कंचन वरण कानन कुंडल हाथ पत्र और कांधे मुझ, सुवन केसरी नंदन
बिकट रूप धारी, भीम रूप धारी, काज सवार जीवन लघुवी लघुपति कीनी, तुम मम प्रिया सह तुम रो जस अस कहीं श्री मती पाल जहां कभी को मिल गई नाम मिला है क्षण माना लंकेश प्रभु हनुमान मन क्रम वचन सब पर इनके तोरो हाथ उठा के परताप तुम्हारा तुम्हें रखवा और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख और संकट कटे ऐसे जय करोगे दोनों हाथ उठा के कम से कम 21 बार बोलोगे जय 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 मिनट भी नहीं लगे क्यों नहीं पढ़ते और पढ़ोगे भी जिनको आता है वो कैसे पढ़ता है ना खुद को समझ आता ना उनको समझ आता गुरु जी आप ही ने सुनाया था एक बार हमें भी ऐसा पल्ले पड़ा एक भगत बोला कन्हैया जी आपके साथ साला सर जाना है मैं बोला हम पापी हैं हमारे साथ जाके क्या करोगे बोला नहीं आपको लेके जाएंगे अब चला गया सर्दी में सुबह 4:30 बजे उठ गया बोला कन्हैया जी पापा जग गया मैं भी जग गया आप भी जग जाओ
फॉर्मूला, अभी तो हमारा सिस्टम उल्टा है, हम सुबह 4-5 बजे सोने वाले लोग और ये 4:30 ही उठने को कह रहा है। अब वो तैयार हो रहा है, तौलिया बांधा हुआ है, श्री गुरुचरण सरोज बनियान पहन रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण था शर्ट पहन रहा है, साधु संत के धूम रखवा रहे, पजामा पहन रहा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाते, मोजे पहन रहा है तुलसीदास सदा हरि चेत, और अंत में तो कमाल ही कर दिया, बोले रुको पवन तनय संकट हरन। अब चलते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से दुनिया जपना सीख लो नाम साहब, जपना सीख लो। बागेश्वर धाम से कुछ ले जाना चाहते हो ना, ना पैसा ना दाम लेके जाना, ले जाना हो तो बागेश्वर का नाम लेके जाना, बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों हाथ उठाकर गाना, छम छम ओ छम छम नचे देखो वीर हनुमान, कहते हैं लोग बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि सांता क्लॉज का भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये बाइबल में लिखा है। और रामचरितमानस में लिखा है कि कुछ भी हो जाए घोटा लेके बजरंगी आएगा ही आएगा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर गाना, जहां जहां की निंदन होता श्री राम का, लगता है पैरावा मेरे हनुमान का, राम के बिना हनुमान क्या करेंगे, तो ये जय श्री राम आना चाहिए जरा जोर से, एक बार और, एक बार और, एक बार और, तो छम 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 नाचे देखो वीर दुनिया, कहते वो कर दूं, दुनिया कहते वो कर दूं, ऐसी किसी में बात नहीं, मैं तेरे नचाए नाचूं, दुनिया की औकात नहीं, तेरे नचाए नाचूं, दुनिया की औकात को टाटा अंबानी अडानी गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे थे, क्यों? क्योंकि राम मंदिर का पहले दर्शन खरबपतियों को नहीं संतों को कराया गया। और जिस देश में संतों को धन माना जाए, जिस देश में संतों को ही सब कुछ माना जाए, वो देश हिंदू राष्ट्र ही होता है और कुछ नहीं होता है। बड़ी चलाई अकबर बाबर ने, अब अकबर बाबर की नहीं चलेगी, इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है, फैजाबाद अयोध्या हो चुकी है, और एक दिन आएगा जब दिल्ली की अकबर रोड भी पृथ्वीराज सिंह चौहान के नाम से हो जाएगा, आएगा। दोनों हाथ उठाकर गाना, और मैंने लिख दिया, ताजमहल से प्यारा खाटू धाम है,
ताजमहल से प्यारा खाटू धाम है, लाल किले से प्यारा तोरण द्वार है, लाल किले से प्यारा तोरण द्वार है। सात अजूबे इस दुनिया में प्यारे हैं, सात अजूबे इस दुनिया में प्यारे हैं। सबसे प्यारे बागेश्वर मारे से प्यारा खाटू धाम है, लाल किले से प्यारा तोरण जिसे लगी लगी इनकी लगन है। कौन कौन राम जी की मस्ती में चूर है, क्या बात है, इसीलिए बागेश्वर धाम मशहूर है। राम की धुन में मस्त मगन है, राम जिसे लगी लगी इनकी लगन है। कहे जो श्री राम हनुमान वो करे, कहे जो श्री राम तो छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, और सिर्फ ताली बजेगी राम के नाम की। राम 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 राम। आप इस धाम की शक्ति को पहचानिए। 21 बार राम बोल के ताली बजाना, 22वीं बार आप चुप हो जाना, आपकी ताली राम गाएगी। देखना चाहते हो बागेश्वर धाम की शक्ति, ताली बजाओ जरा 21 बार बोल के जोरदार। राम 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 राम। अब आप चुप हो जाओ, तालियां सुनो, राम गाएगी। राम की धुन में मस्त मगन है, राम जिसे लगी लगी इनकी लगन है। राम के बिना हनुमान क्या करेंगे, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो। राम 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 राम। अतुलित बल धाम कृष्णम ज्ञानी नानी प्रगण्डम सकल गुण निधानम पानीषम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमातात्मनिष्ठम पातात्मजम मानर युद्धमुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। गुरुजी, आज मैं जल्दी जाने वाला नहीं हूं, और बहुत मेहनत से यहां पहुंचा हूं। बागेश्वर धाम आकर ऐसा लगा, पहली बार आया हूं आज मैं। यहां के जो हनुमान जी हैं ना, वो बोलते हैं, और गौर से देखना मंदिर में जाके, राम को बड़ा सीक्रेट रखते हैं। मंदिर के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर राम परिवार है, और हनुमान जी ने अपने ऊपर एक गुंबद लिया हुआ है जिसके पीछे राम छुप जाते हैं।
क्यों? यहां हनुमान जी भी थोड़ा टॉप सीक्रेट में राम जी को रखते हैं, बात करते रहते हैं। आइए एक बार प्रेम से कह दीजिए, खाटू नरेश की। हारूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। एक बार आप गाएंगे, सुना है आप सबने, किस किस ने सुना है, आप गाइए एक बार। हारूं हारना नहीं है साहब, बागेश्वर धाम आए हो ना तो ये इरादा पक्का करके जाना कि हार कर नहीं जाऊंगा, और मन को नहीं हारने देना है, वादा करते हो मन नहीं हारेगा। दोनों हाथ उठाकर गाना एक बार प्रेम से, आ जाओ जाओ।
हमारे खाटू श्याम जी का नाम है हारे का, आवाज नहीं आई, हारे का। और गुरु जी क्या कर रहे हैं, 151 हारे हुए को सहारा दे रहे हैं। खाटू श्याम जी खाटू धाम में बाद में हैं, अगर आप किसी हारे हुए का साथ दे दो तो पहले खाटू श्याम जी। वाह, जिस बच्चे में अपने बाप के गुण नहीं वो उस बाप की औलाद कैसे हो सकती है। अगर हमारा बाप हारे का सहारा है तो हम में भी वो गुण। मैं अदना सा बालक हूं लेकिन गुरुजी अगर आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो 151 में एक का दहेज मैं भी देना चाहता हूं, मेरी सेवा स्वीकार करें। क्योंकि इस पुण्य काम में जिसका जो सहयोग जुड़ गया मुझे लगता है वो हारे के सहारे के साथ जुड़ गया। ताली बजाकर प्रेम से। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, मैंने सुना बिन बोले भक्तों की नाम चलाता, बिन बोले भक्तों की नाम चलाता। शाम ही पूजा मेरी शाम मेरा वंदन, शाम ही पूजा मेरी शाम मेरा वंदन। शाम का स्वागत है जी शाम का अभिनंदन, शाम का स्वागत है जी शाम का अभिनंदन। तू ही धूप तू ही छाया तू ही मुझ में समाया, तू ही धूप तू ही छाया तू ही मुझ में समाया। और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। सब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझमें सब दिखता है यारा मैं क्या करूं। जिसको उसमें सब दिखता हो दोनों हाथ उठा के एक बार और सुनाओ जरा, कौन कौन सुनना चाहते हैं दोबारा ताली बजा कर कहना। शाम ही पूजा मेरी शाम मेरा वंदन, शाम ही पूजा मेरी शाम का स्वागत है जी शाम का अभिनंदन, शाम का स्वागत है जी शाम का अभिनंदन। तू ही धूप तू ही छाया तू ही मुझ में समाया, तू ही धूप तू ही छाया तू ही मुझ में समाया। और कुछ ना चाहूं मैं इतना ही चाहूं, तुझ में सब दिखता है बाबा मैं क्या करूं, तुझ में सब दिखता है बाबा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है बाबा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है बाबा मैं क्या करूं। तुझ में सब दिखता है बाबा मैं क्या करूं, तुझ में सब दिखता है का सगा भाई कीर्तन में नहीं आया होगा, घर में सो रहा होगा, लेकिन आप आपका दोस्त मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके भाई ने वो दोस्त चुने जो शाम को सो जाते हैं, और आपने वो दोस्त चुने जो शाम को शाम के हो जाते हैं। ताली बजे दोस्तों के लिए अपने। जय हो।
जो मैं गा रहा हूं वो यही गा रहे हैं। हम जीरो बना, जीरो है, बिल्कुल जीरो। ये जो बह रहा है वो इन्हीं का बह रहा है, मेरा नहीं बह रहा है। और जो आप सब आए हैं, दिख मैं रहा हूं, कारीगरी उसकी चल रही है, मेरा इसमें कुछ नहीं। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता। गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा, ये लाइव चल रहा है, मैं स्नान करके पूजा करके भजन करने आता हूं, सिर्फ जल की सेवा लेता हूं, मुंह को झूठा करूंगा तो झूठे भजन चले जाएंगे, इसलिए नहीं पी पाऊंगा। लेकिन इसको हम अपने पास रख रहे हैं, किसी और को पीने भी नहीं देंगे। इधर बैठ जाओ तुम, जल्दी आओ, बूढ़ा हो गया क्या, जल्दी आओ, जा बैठ जाओ, ये चाय नहीं जानी चाहिए। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, सौभाग्य है कि मैं मेरे भगवान के लिए गाता हूं। कहीं शाहरुख खान सलमान खान के पीछे गाना पड़ता तो जिंदगी खराब हो जाती। शुक्र है राम के पीछे गाता हूं। और सच्चाई यह है कि मैं वो कलाकार नहीं जो सुबह चर्च में गाऊं, दोपहर को मस्जिद में गाऊं, रात को मंदिर में गाऊं। अपना एक ही ठिकाना है, सुबह भी मंदिर में गाते हैं, दोपहर में भी मंदिर में गाते हैं, और रात में भी मंदिर को ही गाते हैं। ताली बजाकर गाना, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता। दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता, तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है, तूने तुझ पे भरोसा, तूने पाला पोसा है। हारा हूं बाबा पर जीतूंगा दिन। समर्पित होके आना मेरे भाई, समर्पित होके आना, घर पे बोल के आना, किसी और से मिलने नहीं जा रहा हूं, जगत के मालिक से मिलने जा रहा हूं उसका। समर्पित होकर आना, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव बेटे को सांवरिया, तुम गले लगा जाओ। दोनों हाथ उठा के हारे हुए महसूस कर कर, दोनों हाथ उठाकर गाना, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कैसे फोटो सटे बाबा हमारा अब से करे, दुनिया कैसे फोटो सटे बाबा हमारा अब से करे। खाटू वाला सेठों का से, 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 सेठों का से। अरे दुनिया कैसे फोटो सटे बाबा हमारा सबसे करे, दुनिया के से फोटो सके बाबा हमारा सबसे करे। अरे खाटू वाला सेठों का से, 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 सेठों का से। अगर किसी और को सेठ मानते हो तो हाथ मत उठाना, लेकिन बागेश्वर धाम को सेठों का सेठ मानते हो
दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके एक था नीचे, जिनके हाथ थल्ले, पंजाबी में कहते नीचे को थल्ले, जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ता कुछ कुछ पल्ले, कुछ कुछ पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी पल्ले बल्ले पल्ले बल्ले। खाटू में बाबा बाबा है अपना, खाटू में बाबा
खाटू में बाबा बाबा है अपना, खाटू में बाबा बाबा है अपना। सांवरे पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया। इंस्टाग्राम वाले आए हैं क्या? आज अपनी स्टोरी पे डालना, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव अपॉइंटमेंट विद खाटू श्याम जी। ताली बजा के जरा। खाटू में बाबा बाबा है अपना, खाटू में बाबा बाबा है अपना। सांवरे पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया, सांवरिया पे दिल आ गया। गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है, कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा, कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा। हे श्याम बाबा, हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, लेकिन आपको मेरी कसम है, आज बागेश्वर धाम में जो उठाएं दोनों हाथ, इन्हें खाटू धाम बुला लेना हाथों हाथ, जो बजाएं ताली 12 महीने मनाएं दिवाली, और जो लगाएं जयकारा उनका बनना सहारा, बोलो हारे के। गाड़ी जो अपनी नहीं है तो भी ये सोचना नहीं है, कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा, कैसे तू खाटू जाएगा, तेरा बुलावा भी आएगा। बुलाने में वो होता ना ले, बुलाने में वो होता ना ले। पैसा उसने दिया, गाड़ी उसने दी, लेकिन कहते वो बुलाता नहीं है, बहाना उसका मारते हो, सारे साधन इकट्ठे कर लिए जाने के, लेकिन जब जाने की बारी आए तो वो बुलाता नहीं है। बुलाने में वो होता ना ले, बुलाने में वो होता ना ले। जाने में तू होता क्यों ले, जाने में तू होता क्यों ले। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके, खाटू वाला सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, दादा हो चाहे अंबानी उनकी भी सुन लो कहानी, दादा हो चाहे अंबानी उनकी भी सुन लो कहानी। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन खाटू शाम का दीवाना एक दिन सेठ बनेगा साहब। टाटा हो चाहे अंबानी इनकी भी सुन लो कहानी, टाटा हो चाहे अंबानी इनकी भी सुन लो कहानी। बिरला हो चाहे अडानी खाटू में भरते हैं पानी, बिरला हो चाहे अडानी बागेश्वर भरते हैं पानी। मांगने में ना होना तुले, मांगने में ना होना तुले। हे बागेश्वर के बालाजी, जो भी आपके दरबार में आए हैं इन सबको बना दो लाला जी। हे बागेश्वर के बालाजी, देने में वो होता ना ले, देने में वो होता ना ले। तो मांगने में तू होता क्यों ले, तो मांगने में तू होता क्यों ले। बागेश्वर वाला सेठों का सेठ, 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 सेठों का सेठ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ आप कितना भजन सुनते हो। एक भजन गाऊंगा,
आधी लाइन गाऊंगा, देखता हूं पूरी करते हो कि नहीं, सुना है कि नहीं। गजब मेरे, गजब मेरे, आवाज नहीं आई, एक बार आओ। गजब मेरे, गजब मेरे, गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाट निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाट निराले, सेठों के सेठ बाबा शाम है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, कल में उसकी शाम प्रभु ने, जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, कल में उसने शाम प्रभु की कृपा पाई है। होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, खुश होकर के शासनी की महिमा गाएगा। गजब मेरे, गजब थारे हाथ निराले, हे किसे बाबा शामे। मैंने कहा था अयोध्या बनाने के लिए जय श्री राम का नारा है, और मथुरा के लिए जय श्री श्याम का नारा है। एक बार जोर से कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल कर दे। जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाम, जिसका कोई नहीं जगत उसके बाबा शाम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके मेरे शाम, जिसका कोई नहीं जगत में उसके बागेश्वर धाम। इस दुनिया में एक नारा जय हो बाबा शाम। गजब मेरे खाटू वाले, बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तेरे ठाट निराले, बाबा श्याम है। सेठों के सेठ बाबा श्याम। बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं विनती करूंगा कोई पैसे उड़ाए ना। हम जिस धाम में बैठे हैं, बागेश्वर धाम के साथ मां लक्ष्मी विराजती है, और पैसे सिर्फ कवालियों में उड़ाए जाते हैं, भजन कीर्तन में तो पकड़ाए जाते हैं इसमें। और मैंने देखा था गुरुजी का वीडियो भी आया, एक कलाकार अली अली कर गया, गुरुजी ने कहा यहां अली नहीं चलेगा, यहां हरि चलेगा। तो जहां हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मैं 15 मिनट आपके लूंगा, वो इसलिए कि मैं मेरे खाटू श्याम जी की कथा, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, भजनों के माध्यम से आपको सुनाकर जाऊंगा। 16वें मिनट आपको ऐसा महसूस होगा कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ खाटू वाला श्याम। लेकिन उसके लिए मेरी गुजारिश, जो ये बीच में खड़े हैं हमारे भाई, बैठ जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ जाए। गुरुजी इजाजत है, जय हो। ये मेरे लिए है क्या? नहीं, ये मेरे लिए तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन इनको लेके नहीं घूमना है,
ये लड्डू गोपाल नहीं है बेटा, ये शीश है जो धरती के कल्याण के लिए दान दिया गया था। ये जब भी होते हैं तो स्थापित होते हैं, लेकर नहीं घूमे जाते, ठीक है। इसको घर लेकर जाना और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा भगवान। लड्डू गोपाल की अपनी लीला है, इनकी अपनी मर्यादा है। आइए एक बार प्रेम से कह दो जय श्री श्याम, एक बार और कह दो जय श्री श्याम। दादा साइड फील्ड के अंदर ना मेरा माइक सराउंड है, सराउंड बंद कर दो माइक की। सुनो सुनाए सयानी कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये शीश का दानी, कौन है ये लखदातारी, क्यों जहां हजारों भक्त जाते थे आज करोड़ों भक्त जाने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, जो कथा सुनना चाहते एक बार हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद देकर बता दीजिएगा, मिलकर कहना। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है और सहा जाए अब बोल कहा जाए, और सहा जाए अब बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए परबरी, परबरी 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 परबरी। बोलिए महाबली परबरी की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल। ताली बजा के जरा बधाई हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जी। माता मौरवी के लाल है, माँ के पास गए बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे, निकल पड़े परबरीक मनाने के लिए। भोले तुम्हें
मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से तीन बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाण धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा जाने से पहले दो वचन लेकर जा। पहला वचन, हरे का सहारा हमने भी तुझको। और दूसरा वचन, पहला वचन, जो भी युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के। और दूसरा वचन, तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले रस्ते में तूने मना नहीं करना। निकल पड़े बरबरी दोनों वचन देकर। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते? दोनों हाथ उठा के, ओली ले घोड़े ला असवार, खाटू बाणो बड़े बरबरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, दुर्योधन हिल उठा, द्रोणाचार्य हिल उठे, युधिष्ठिर का रथ हिला। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा माधव देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, मुझे पहले ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हारने वाला हूं। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर गए और बोले बरबरीक कहां जाते हो? बरबरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले कौन सी शक्ति है तेरे पास जो युद्ध में भाग लेने जा रहा है? बरबरीक ने कहा मेरे तरकश में जो तीन बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का निर्णय कर डालूंगा। बोलिए तीन बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बरबरीक ने चढ़ाया प्रतीक्षा पे बाण और एक ही बाण से पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं मैं भी किसी को बचा सकता हूं क्या। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? तब बरबरीक ने कहा हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, ओहो हो है पुकारा सावरे। देवता ने कहा हारे का सहारा? यहां तक समझ आई कथा आपको? हाथ उठा के बताना जिसको समझ आई हो। थैंक यू, ताली बजा दो अपने लिए। ब्राह्मण देवता बोले हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। तब बरबरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले धरती में द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और यह शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का या अर्जुन का
या बर्बरिक तुम्हारा, कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन से बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरिक ने दूसरा वचन अपनी माँ को दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार के अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा कदान मुरली वाले ने मांगा शीश कदान और बर्बरिक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दोनों हाथ उठा के तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरिक बोले युद्ध देखना चाहता हूं। अमृत पिलाया गया शीश को, सिरमौर जिले में वो पहाड़ है चूड़धार पर्वत जहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए और जैसे हम करते हैं ना, मेरी वजह से हुआ, गलत काम हो जाए तो उसकी वजह से हुआ। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठाना, पांडव जा रहे भगवान कृष्ण के पास, ताली बजा कर जरा, चलो चले कृष्ण के पास, चलो चले कृष्ण के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, चले गए। कन्हैया बोले मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। बोले प्रभु कौन बताए? तो चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। क्या बात है, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए, बताओ बर्बरिक तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरिक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात इतनी पसंद आई कन्हैया को कि वरदान दे दिया कि तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, सदैव के लिए तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं। और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, ये वरदान देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, तू हारे का सहारा कहलाएगा। और जो वचन तुमने तुम्हारी माँ को दिया कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा, जो तेरे दरबार में आ जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तो दोनों हाथ उठाना प्रेमियों, ये वही खाटू के शाम है, ताली बजा कर गाना, प्रेम से कह देना, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक,
परमेश्वर छोड़ेंगे ना हम तेरा धाम बागेश्वर मरते दम तक। कौन कौन वादा करता है कि बागेश्वर धाम नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक? ताली बजाना और मेरे साथ गाना, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक। लालची हो जाओ, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। हम खाटू नहीं जाते किस काम के लिए, हम खाटू नहीं जाते किस काम के लिए। कोई पूछे क्यों जाते हो खाटू, बता देना। हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। बागेश्वर नहीं आते किस काम के लिए, बागेश्वर नहीं आते किस काम के लिए। हम गढ़ा में आते हैं हनुमान के लिए, कड़ा में आते हैं हनुमान के लिए, हम कड़ा में आते हैं हनुमान के लिए। ना रुपया ना पैसा ना आराम के लिए, ना रुपया ना पैसा ना आराम के लिए। दोनों हाथ उठा के कह दो, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं जाते हैं हमारे। दोनों हाथ उठा के मस्ती में क्या बात है, खाटू नरेश की। सूखा फूल बिछड़ जाए तो फिर से है खिल जाता, सूखा फूल बिछड़ जाए तो फिर से है खिल जाता। हम भूखे हैं बस बाबा के गुणगान के लिए, हम भूखे हैं बस बाबा के गुणगान के लिए। हम खाटू जाते हैं, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। कौन कौन जाता है, हमें भी बुलावा है खाटू श्याम जी का। दोनों हाथ उठा के लहरा दो जरा एक बार, पता लगे यम्मा। तीन बाण धारी है बाबा शान है बड़ी निराली, तीन बाण धारी है बाबा शान है बड़ी निराली, लीले पे चढ़ के करे सबकी रखवाली, लीले पे चढ़ के करते घर से कड़ा आ गए, घर से कड़ा आ गए बागेश्वर धाम के लिए,
हंसू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम हंसू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हंसू जाते हैं हमारे शाम के लिए। ना रुपया ना पैसा ना आराम के लिए, ना रुपया ना पैसा ना आराम के लिए, हम हंसू जाते हैं हमारे शाम के लिए। मैं सच बताऊं आज जितना आनंद मुझे आज बागेश्वर धाम में आया है, आप देख रहे होंगे ऐसा रोज ही होता है वैसे तो, लेकिन मैंने आज ये सोच के नहीं गाया कि मैं मध्य प्रदेश में गा रहा हूं, आज मैंने ये सोच के गाया कि मैं अयोध्या राम जी के दरबार में गा रहा हूं। दोनों हाथ उठे जरा ताली बजाकर बागेश्वर धाम के लिए। ये बात समर्पित कर रहा हूं ये लाइन। एक बार मनोज भाई के लिए जरा शोर मचा दो जोरदार, जरा नोएडा से गड़ा आ गए हनुमान के लिए, नोएडा से गड़ा आ गए हनुमान के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। और ये शिवरात्रि शुरू हो चुकी है तो भोलेनाथ के रंग में रंगने को तैयार हो। हम भोले बम भोले बम बम बम, हम भोले बम भोले बम बम बम, हम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम, जय हो शंभो। कभी योगी कभी बाल ब्रह्मचारी, नाम है अनेक भोले जग बलिहारी, भोले जग बलिहारी, भोले जग बलिहारी, भोले नाम।
योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है अनेक बोले जग भले हरि बोले जग यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है देखिए शिवरात्रि है आज और हमने यहां से 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो मेरे साथी बोले कि भैया शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ा पाएंगे हम तो सफर में ही रह जाएंगे ये जो लोग खड़े हैं ना ये शिवलिंग पे ही जल चढ़ रहा है साहब जो नाम जप रहे हैं नाम से बड़ी खुमारी कोई नहीं दोनों हाथ उठा के डमरू बजे भोले जी नाचे हैं सावन में भोले जी नाचे बागेश्वर में भोले जी नाचे बागेश्वर में भोले जी नाचे बागेश्वर में ब्रह्मा ब्रह्म लोक से आए ब्रह्मा ब्रह्म लोक से आए विष्णु जी वैकुंठ से आए
राजाधिराज महाराज खाटू नरेश की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना आनंद लिया उसके लिए धन्यवाद, और हम सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे दादा लोग का धन्यवाद, और बड़े गुणी लोग, गुरुजी की टीम भी बैठी है पूरी, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा। बड़े गुणी लोग हैं, हम तो साहब जनरेटर से साल गाना सीखे हैं, हारमोनियम तो कभी देखा नहीं। एक ठाकुर जी की कृपा हो जाती है जो गा लेता है। गुरुदेव इंद्रेश जी महाराज जी विराजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। एक और आखिरी गाना जो आज हमारे बड़े भाई ने नहीं गाया है, अगर आप लोग एक और गाना चाहते हैं तो हाथ उठा के एक बार। जो राम को लाए हैं, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परमादरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के परम मित्र, परम सखा, जो एक महीने छोटे हैं, आदरणीय महाराज श्री इंद्रेश जी, चरणों में वंदन आपके। मैं इस लायक नहीं कि आपके कानों तक मेरी आवाज जाए, लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि आप सुनने बैठे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ जी, कट्टर हिंदू आए हैं क्या? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम क्या करेंगे, भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, ओ मेरे श्याम कृपा कर दो, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मथुरा भी सजाएंगे। मैंने आते ही कहा था, अपने आप को जब तक हिंदू कहना शुरू नहीं करोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। कोई आपको पूछे तो यह मत बताओ कि मैं बढ़िया हूं, कोई पूछे तो यह मत बताओ कि मैं ब्राह्मण हूं, यह मत बताओ कि मैं यादव हूं, कोई पूछे तो बस एक ही बात, मैं जो रेत पर पानी का जहाज चला दे वो है हिंदू, जो रेत पर पानी का जहाज चला दे वो है, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों को मजा चखा दे वो है, और बाबर की छाती में फगवा गाड़ के अयोध्या में मंदिर बना दे वो है। आ जा भाई जरा जोर से, तैयार हो, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
अब चांद पे भी जाके, अब चांद पे भी जाके भगवान लहराए, अब चांद पे भी जाके चंद्रयान तीन पहुंचा हुआ है। 750 गज का प्लॉट बागेश्वर धाम के नाम से भी काट देना, लेकिन यह सोचता हूं गुरुजी कि अगर चांद पे भी मंदिर बन गया तो पाकिस्तान देखेगा किसको, क्योंकि झंडे में चांद और चांद पर झंडे होने में औकात का पता लगता है साहब। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएं। मथुरा सजेगी कि नहीं सजेगी, मेरे पास गारंटी है। पता क्या गारंटी है? जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया, अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी है तो मथुरा सजा के जाएंगी कि नहीं जाएंगी? घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। दोनों हाथ उठे जरा एक बार, और जितने भगवे हैं लहरा लो जरा प्रेम से। करता है भाईचारा भाईचारा भाईचारा। जिस दिन कोई क्रिश्चियन मेरे मंदिर में आ जाएगा उस दिन मैं भी चर्च में जाकर देख लूंगा क्या होता है। हर हिंदू को यह पूछा जाता है कि तू चर्च में जाएगा क्या, किसी क्रिश्चियन को भी पूछा जाए कि मंदिर जाएगा क्या, तब जाके पता लगेगा होता क्या है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवान है चोला जिनका हर राम की बात करे, आपने गानी है। हिंदू है हिंदू हम, आवाज नहीं आई, शर्म आती हो तो मत गाना, लेकिन गर्व हो तो गाना। हिंदू है हिंदू हम, नहीं 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 नहीं, हम हिंदू थोड़ी ना, हम तो बढ़िए हैं, हम तो यादव हैं, हम तो गुजर हैं भाई, हम तो पटेल हैं। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई छाती नहीं होती,
दीपक ही नहीं बचा तो बांदी का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब। दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे। एक बार गाओगे मेरे साथ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, भारत में फिर से, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। और ये बात, ये दो लाइनें हमारे गुरुजी के लिए, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए गुरुजी, बस इसीलिए गुरुवर बंदे का मालिक है, इसीलिए गुरुवर बंदे का मालिक है। और गुरुजी के आशीर्वाद से ही अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, वादा करना ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा, ना झुका है ना झुकेगा, ना रुका है ना रुकेगा। कौन कौन वादा करता है कि भगवान नहीं झुकेगा, दोनों हाथ उठा के, हम लहराएंगे भगवान, बस लहराएंगे भगवान, हम लहराएंगे भगवान, बस आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए, ऐसा ना हो कोई आके हमें ठग जाए, अयोध्या में काशी में, काशी में योद्धा में, योद्धा में काशी में, काशी में योद्धा में, वृंदावन जाते हो ना तो मथुरा भी जाना सीखो, जब जाना सीख जाओगे ना तो उस दिन गाओगे, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे, बागेश्वर में भगवान माता की, हर हर महादेव। बस इतनी सी बात कह के जाऊंगा कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, सबसे जल्दी भगवा ध्वज बागेश्वर धाम में लगना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा
सबसे ऊंचा और सबसे जल्दी। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ताकि कोई फ्लाइट अगर ऊपर से उड़े तो उसको पता लग जाए नीचे बागेश्वर धाम है, ऊपर ही जय श्री राम हो जाए। बस हमारी इतनी सी अरमान है, हम रहे ना रहे हमारा भगवा ऊंचा होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाराज जी का आदेश हुआ था तो मैं आपके बीच में हाजिर था, और पुनः चाह गुरुदेव ने तो फिर बागेश्वर धाम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें साहब। जय सियाराम। बोलिए प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। अभी हम सब अपने गुरु भाई कन्हैया मित्तल जी को सुन रहे थे, जो कि विश्व विख्यात भजन गायक हैं। और अब हमारे बीच आपके छतरपुर से मनु खरे जी आ रहे हैं, और वो एक नया गीत पधारे बागेश्वर लेके आ रहे हैं, जिसकी रचना की है सत्या मनु ने। तो मैं मनु जी से चाहूंगा कि मनु जी परम पूज्य का आशीर्वाद लें। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करिए मनु जी का। मनु जी के द्वारा गाया हुआ बहुत सारे भजन बहुत ही सुंदर है, परम पूज्य को बहुत पसंद है। बोले प्रेम से बागेश्वर धाम सरकार की। आवाज नहीं आ रही, नींद आ रही है क्या? हमारे घर में जब बहनों की शादी होती तो लोग सोते नहीं हैं। जोर से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। आवाज नहीं आ रही है। प्रेम से बोले बागेश्वर धाम सरकार की। मनु जी। गुरु जी, एक गीत अभी मैंने बनाया है, आप इतने सालों से हम सबके लिए स्वागत ही करते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम आपका स्वागत कैसे कर पाएंगे। बहुत कुछ तो नहीं कर सकते आपके लिए, लेकिन कुछ लिखा है, कुछ गाया है, तो मैं आपको आपके आशीर्वाद आपके आदेश से सुनाना चाहूंगा। बोलिए बागेश्वर धाम की। हृदय में जिनके राम संग हनुमान करे जनता के हित में काम, पधारे बागेश्वर, पधारे बागेश्वर। स्वागत 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 है हृदय में जिनके राम संग हनुमान करे जनता के हित में काम, पधारे बागेश्वर, पधारे बागेश्वर। कर बजा के कर दो शोर राम चहोर, चले जो थामे प्रभु की डोर, पधारे बागेश्वर। स्वागत 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 पधारे है बागेश्वर। स्वागत पधारे है बागेश्वर। जो जाने मन की बात हो सिद्धि हाथ, सनातन है बस जिसकी जात, पधारे बागेश्वर। स्वागत पधारे है बागेश्वर। स्वागत पधारे है बागेश्वर। स्वागत आए हैं सरकार लगा दरबार, करेंगे सबकी नैया पार, पधारे बागेश्वर।
स्वागत पधारे हैं बागेश्वर स्वागत पधारे हैं बागेश्वर स्वागत बोलो राम राम हनुमान बोलो जय जय सिया राम बोलो राम राम हनुमान बोलो जय जय सिया राम बोलो राम राम हनुमान बोलो जय जय सिया राम बोलो राम राम हनुमान बोलो जय जय सिया राम ओ धर्म का पाठ पढ़ा कर भटके को राह दिखा कर हम जय जय सिया राम बोलो राम राम हनुमान बोलो जय जय सिया राम जोरदार तालियों से मनु खरे जी का आप सभी स्वागत करिए जोरदार तालियों से दादा एक एक गीत और आपने सुना होगा गुरु जी का मैं बिना म्यूजिक के आपको वो सुनाता हूं कई लोग सुनना चाहते थे इसको दिव्य धारा बुंदेलखंड ने तीर्थ सुपावन पाया है जय हनुमत सरकार तुम्हारा ध्वज विशाल लहराया है जिनका कोई नहीं जग में उनका है बागेश्वर धाम श्री राम के दुलारे मांजनी के प्यारे हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे है गूंजता गगन में गुणगान रे है शिव के अवतारी दुनिया जाए बलहारी महिमा निराली ऊंचा नाम बागेश्वर धाम बिगड़े बनेंगे सबके काम बागेश्वर धाम बिगड़े बनेंगे सबके काम बागेश्वर धाम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी हम सभी परम पूज्य को सुनना चाहते हैं दो मिनट का उद्बोधन परम पूज्य का उसके पश्चात एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं सबसे पहले गुरु जी आपको प्रणाम ये मेरे लिए कोई सपना है जो आज सच हो रहा है कि मैंने बागेश्वर धाम के लिए कुछ लिखा था और आप साक्षात मेरे सामने हैं और ये सीरियसली मैं जो आगे गाने वाला हूं ये मेरे लिए सपना है महाराज बागेश्वर धाम की बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम किस्मत से जो हार गए हो और
हो रोग दोष चाहे कैसा भी हो, रोग दोष चाहे कैसा भी हो, राहत का एक ही नाम, राहत का एक ही नाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। अरे बात पते की बतानी है, हो बात पते की बतानी है, वहां बलि की कहानी सुनानी है, मध्य प्रदेश की तपोभूमि पे, ओ मध्य प्रदेश की तपोभूमि पे अद्भुत है स्थान, हर विरले है स्थान, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। और चार लाइन गुरुजी और दिल से, लाइलाज बीमारी में जब हारा हो विज्ञान, लाइलाज बीमारी में जब हारा हो विज्ञान, अपने भी जब वक्त पे बदले तब तुम लेना नाम, हर जगह से जब हिम्मत टूटे, ओ हर जगह से जब हिम्मत टूटे तब आना तुम धाम, तब आना तुम धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। और गुरुजी ये मैंने भगवान श्री राम के लिए गाया था, मेरे दिल में राम बसे हैं, मेरे दिल में राम बसे हैं, तेरे दिल में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम, राम लला का राज तिलक है, राम लला का राज तिलक है, सजा अयोध्या धाम, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय जय सीताराम, सरयू के पावन बनघट पे, सरयू के पावन बनघट पे देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं अयोध्या वेश बदल कर झूम रहे, देवलोक उतरा है धरातल, देवलोक उतरा है धरातल, रघुनंदन को नमन किए, राम से जुड़कर बच्चा बचा जय जय सीताराम गए, राम से जुड़कर बच्चा बचा जय जय सीताराम कहे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, भाई साहब दो लाइनें बस, एक दो लाइन, बस दो लाइनें महाराज जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मेरा नया गाना आया है भोलेनाथा, दो लाइन आपके लिए, भोलेनाथा की गाना है मेरा भोलेनाथा, तू कैलाशी, तू कैलाशी तू अविनाशी, तू कैलाशी तू अविनाशी, तू निर्माता तू है विनाशी, भोलेनाथा
आप YouTube पे देख लीजिएगा, मैंने दो लाइन बोला था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छा गाया, जोरदार तालियों से भाई साहब। मैं ग्वालियर से आया हूँ, आशीष शर्मा नाम है मेरा महाराज जी, और ये जो गाना है, जो भजन मैंने लिखा है बागेश्वर सरकार के लिए, मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं बहन रेणुका पवार से, जो हरियाणा से आई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कम शब्दों में, कम अच्छे से जल्दी गाएं। परम पूज्य का दिव्य दरबार अभी लगने वाला है, आप सभी के लिए खुशखबरी, परम पूज्य का दिव्य दरबार अगले कुछ ही पलों के बाद, दिव्य दरबार परम पूज्य द्वारा। जय श्री सीताराम, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, प्रेतराज सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं बालाजी की बेटी, नाम है रेणुका पवार, और मेरा एक गीत बहुत ज्यादा बालाजी की दया से बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम था बावन गज का दामन। सुना है सबने? कोई शादी नहीं जाती जिसमें वो गाना ना चलता हो। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कन्या विवाह के पर्व में मुझे बुलाया, और गुरुजी मैं आपको अपने बड़े भाई के समान और पिता के समान मानती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे प्यार से बहन के बुलाते हैं, और मैं बता नहीं पा रही हूँ अपने शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अगले बार आप मुझे भजन संध्या में बुलाएंगे, मैं पूरे बैंड के साथ आऊंगी और अच्छे से परफॉर्म करके जाऊंगी। और एक बार जोर से बोल दीजिए, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बहुत बढ़िया। अच्छा, कल के दिन सारी बेटियां पराई हो जाएंगी और एकदम सुना हो जाएगा सब कुछ, तो दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोछ देना, मन है अकेला यहाँ, माई मेरी माई रे हो, हो माई मेरी माई रे। गुरुजी आपके लिए भी मैंने कुछ लिखा था, मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरे साथ सबको ताली बजा के गाना है। जय श्री सीताराम। हाँ, मेरे बालाजी बड़े सुंदर, सिया राम बसे मन अंदर, मेरे बालाजी बड़े सुंदर, सिया राम बसे मन अंदर, सोने की लंका जलाई, ये लांघ गए थे समुंदर, ओ बस राम 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 रटे मेरे बालाजी हो। संकट मोचन है ये, संकट हर मेरे बालाजी। आपके लिए मैंने लिखा था, बजरंग बली को है प्यारे गुरुदेव सरकार हमारे, जो राम की निंदा करते उनकी ठटरी ये बारे, चाहे कोई कितना भी बोले, सबकी है पोल ये खोले, भक्तों को यही है कहते, तू बालाजी का होले, ओ बस राम 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 रटे मेरे बालाजी है। कलयुग के सिद्ध है देव हमारे बालाजी। और बालाजी के लिए भी मैंने कुछ लिखा था, कौन कौन ऐसा है जो धाम पर आकर घर जाके भी यही रहता है,
उनके लिए मैंने लिखा था, बागेश्वर जो आए फिर लौट के ना जा पाए, जब देखे इनकी मूरत तो देखता ही रह जाए, एक काम ये भूल न जाना, तुम धाम पे अर्ज लगाना। और हमारे गुरुजी कहते हैं, आपकी बात मैंने लिखी है, ये पैसा गाड़ी छोड़ो, उनको ही उन्हीं से मांगो। क्यों, कौन कौन, अच्छा कौन कौन अपनी अपनी चीजें मानता है बालाजी से, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बालाजी को मांगा किसी ने? मांगते हो या फिर जाते ही सीधा बालाजी हमारा ये दुख है, बालाजी ये कैसे होगा, मेरी नौकरी, मेरी ये। अच्छा गुरुजी एक बात कहते हैं कि आज के टाइम में पद बहुत मैटर करता है, पद और पैसा जिसके पास है उसकी इज्जत है आज के टाइम में। तो मैं भी एकदम आपके जैसी हूँ, साधारण परिवार से हूँ, और एक बात है कि यहाँ तो तेरा पैसा बोलेगा, यहाँ तो तेरा पैसा बोलता है, वहां देखेंगे तू क्या बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और जय श्री सीताराम, जय श्री राम। परम पूज्य अब कुछ ही पलों में दिव्य दरबार लगाएंगे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जय श्री राम के उद्घोष से।